आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आंखों में सैनिटाइजर डाल ले इस वीडियो को देखने से पहले। धन्यवाद। किधर राइंड काट रही है ओम थो? ले भैया ओम थो। राइंड काट रही है ओम थो? किधर राइंड काट रही है ओम थो? ऐसे हेडशॉट कैसे मारते भाई? भाई ट्रिपल फोर फेल है इसके सामने तो। ये सेटिंग है, स्किल है या फिर है क्या? क्या है भाई? इट इज लाइक दैट कि गाइज, अगर आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है और जब भी आप किसी एक प्लेयर को स्पॉट करके उसके ऊपर फायर करते हो, अगर सेटिंग अच्छी तो पहली बुलेट ही हेड लगेगी, लेकिन वो चीज देख के लोगों को लगता है ये है कि उसकर, क्योंकि ये लोग पहली गोली बॉडी मारते हैं। तो दिक्कत क्या है कि यार आप लोगों को समझ नहीं आता बैकग्राउंड आज में। अरे कहना क्या चाहते हो? सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब बात करते हैं हम फेयर खेलने की और अनफेयर खेलने में, किसके ऊपर ट्रस्ट करें किसके ऊपर नहीं करें। अब स्टार्टिंग में जो मैंने तुमको हेड्स दिखाई, इस तरीके के हेड मैं कसम से बता रहा हूँ, अभी लगभग मेरे को 7 से 8 महीने हो गए इन टोटल पीसी पे खेले हुए, और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल से ज़्यादा वालों का आ चुका है, क्योंकि तुमने मेरा गेम भी देखा है, ठीक ठाक खेल लेता हूँ और गेम की नॉलेज तो हमेशा से है मेरे को, ठीक है। तो उसके बाद देखने के बाद साफ साफ पता चलता है ये फेयर गेम प्ले नहीं है। अगर कोई तुमको ऐसा बोल रहा है तो सीधी बात है, वो तुमको चूतिया बना बनाया तुमको। अब तुमको एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे बहुत भयंकर, इसके बाद तुम्हारा जितना भी शक है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम चिल करो, इतनी चीज है ना इस वीडियो में कि तुम सोचे नहीं होगी कि इतनी सारी चीजें ये भाई कहाँ से लाते हो आप। तो चलो यार शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये अपना नॉर्मल गेम कर रहा है, ठीक है, आराम से देखो सारे के सारे बॉडी चिपक रहे हैं, हेड नहीं लग रहा। अब ये करेगा सिटिंग ऑन, देखो ये देखो, अब इसमें तुमको कहीं से लग रहा है कि ऑटो एम जा रहा है? नहीं ना, ये सारी चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से। वो चीज कैसे, वो तुमको यहाँ पे बंदा करके दिखाएगा। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला था ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुमको बता दूं तो तुम सब वो चीज यूज करने लगोगे। ये है देखो, फर्स्ट ऑप्शन एमबॉट, दूसरा नो रिकॉइल, तीसरा MFOV, अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज, और जो कि पीएन के बंदे यूज करते हैं। कैसे, उसका भी पूरा चैट है, पूरी रिकॉर्डिंग है। रुक जाओ, बस वीडियो का एंड तक देखो। देखो यहाँ पे ऑटो एम जा रहा है ना खुद से, अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि क्या झोल है, ठीक है। अब मैं तुमको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारा इन भरोसे वालों से भरोसा उठ जाएगा, वो क्या है देखो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब यहाँ पे तुमको एक चैटिंग दिखाने वाला हूँ मैं, व्हाट्सएप चैटिंग विद जेम्स, एक बंदे ने करा है जो कि एनजी का बंदा है और जिसको भेजा था नॉनस्टॉप ने इससे बात करने के लिए, जेम्स के बारे में चीजें पता करने के लिए। यहाँ से है मैसेज, हेलो ब्रो, यू आर सेलिंग सेटिंग, ऐसा करके इस बंदे ने पूछा, मतलब क्या तुम कोई सेटिंग बेच रहे हो जिससे कि मेरा रिक्वायल वगैरह ना हो और मैं अच्छे से खेल पाऊँ। करते हैं यहाँ से देखते हैं। हाँ ये देखो, इट्स नो रिक्वायल के साथ MFOV अटैच्ड है। अब MFOV मतलब तुम समझ गए, वहाँ पे दिखाया था मैंने MFOV, अब तुम समझ गए MFOV इज द सीक्रेट ऑफ प्रो नेशन। आता है देखो, अगर कोई हैक यूजर होता तो कॉमन थिंग की अपडेट के साथ आईडी बैन हो जाती है ना। और What the fuck? भाई हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसे करके आप बच्चों का चूतिया काट सकते हैं, हमारा चूतिया नहीं काट सकते। और जो लोग भाई छोटे उम्र के हैं, जो लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं पीसी प्लेयर्स को, फेयर प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हो ना यार, ऐसे मतलब किसी को भी अंधाधुन मारता है उसको तुम सपोर्ट करते हो भाई, बिना देखे बंदे को, चार बंदे को, वो भी उड़ पिकर से हेड कैसे लगते हैं? स्कोप खोलो हेड, स्कोप खोलो हेड, मजाक बना के रख दिया है बे साले, मजाक बना के रखते हो। एक और प्रोनेशन का कारनामा तुमको बता देता हूँ। एक टूर्नामेंट चल रहा था, ठीक है, जिसके अंदर इनको बोला गया कि आप लोग रेजिडिट यूज करते हो, रेजिडिट आपको ऑफ करके वो टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। इन्होंने भाई बोला हमें टूर्नामेंट ही नहीं खेलना है, मतलब टूर्नामेंट खेले भी नहीं है लोग, सिर्फ और सिर्फ रेजिडिट के लिए। तो तुम समझ सकते हो थर्ड पार्टी चीजों पर ये कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। रेजिडिट को बहुत लोग बोलते हैं कि वो फेयर है, उससे कुछ नहीं होता, ये वो फलाना ढिकाना, लेकिन एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर कोई चोर पकड़ा नहीं जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शरीफ इंसान हो गया, रहता वो चोरी है, जब तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ है बस बचा हुआ है। अब देखो इनके गिल्ड को देख के ना मेरे को 4 साल पहले की एक गिल्ड याद आती है, ठीक है, उनका भी कुछ ऐसा ही सीन था। अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन जो पुराने प्लेयर्स हैं वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस गिल्ड के अंदर होते थे 3 हैकर्स, ठीक है, अब वो 3 हैकर ऐसे मारते थे ना अंधाधुन, उस टाइम के वो जाने माने हैकर्स थे और सबसे बड़ी चूती अभी थी इस कम्युनिटी की, अभी उनमें से 2 तो नहीं है, ठीक है। तो उनका क्या सीन था मैं तुमको बताता हूँ, वो भी ऐसे अंधाधुन हेड मारते थे और इन पे मेरी उनसे बहस होती थी कि क्या करते हो तुम ऐसा जो तुम्हारा हेड लगते, वो पता क्या बोलते थे, ये हमारी सेटिंग है। अच्छा बहन के
अब देखो इस वीडियो को तुम लोगों को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि अभी के टाइम पे चैनल के थोड़े से लगे पड़े हैं। तो तुमको इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो स्टोरी लगाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाओ, जितना शेयर कर सकते हो कर देना। और वीडियो पे लाइक मेरे को चाहिए 49K लाइक्स हो जाने चाहिए। अगर 49K लाइक्स हो गए तो मैं एक ऐसे प्लेयर को एक्सपोज करूंगा हैक यूज करते हुए, जिसको तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इंडियन सर्वर का 5 मिलियन से ज्यादा उसका सब्सक्राइबर है, इतना बोल दिया समझ जाओ ठीक है। तो तू देख लियो। इस चीज की तो खुशी है मेरे को कि मैंने जितना हो सका फोन प्लेयर्स को गिल्ड में रखा है और फोन प्लेयर को सपोर्ट करा है। 3 से 4 बंदे होंगे पीसी वाले मेरे गिल्ड में, इसकी बहुत दिल से खुशी है। ऑलराइट गाइस, जो भी कुछ था मैंने क्लियर कर दिया और बहुत खतरनाक चीजें हैं, हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए। मन तो नहीं कर रहा बनाने का यार, क्या बोले, पूरी चीज यहाँ पे क्लियर है कि कौन क्या है, सफेद झूठ बोला जा रहा है, यहाँ पे चूतिया बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर क्या ही बोलना है, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा प्रो नेशन वालों से और हर्ष से, भाई सुधर जाओ, ऐसी हरकतें मत करो, ये सब चीजें यूज करना छोड़ दो, पब्लिक से पब्लिकली वो कर लो, माफी वाफी मांग लो, उसके बाद फेयर गेम प्ले करो। ये सब चूतियापा करके आज बच जाओगे कल बच जाओगे, लेकिन एक दिन बहुत बुरे पेले जाओगे ठीक है। तो बस यही बोलना था मेरे को, मैं चाहता नहीं उसका पार्ट 2 बनाना पड़े, और प्लीज मेरे को मजबूर भी मत करना, नहीं तो पार्ट 2 में बहुत बुरे तरीके से ले लूंगा ठीक है।